रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रजाक आसिफ एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथमेटिक्स में पढ़ने जा रहे हैं 17.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें गिवन है एक ट्रायंगल की साइड्स दी हुई है। हमने क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनानी है और इसको एक स्क्वायर में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है जिसका एरिया उस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। उसने कहा कि जो बेस आपने लेनी है वो 3.5 सेंटीमीटर लेनी है। तो मैंने 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा किया और बाकी दो साइड उसने बताई कि 3.4 और 3.8 सेंटीमीटर। तो मैंने बी पे रख के 3.4 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई, फिर मैंने सी पे कंपास रख के 3.8 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई। दोनों आर्क से एक दूसरे को ए पर इंटरसेक्ट किया तो ए पॉइंट मुझे मिल गया। ए को ज्वाइन कर दिया बी और सी से, इस तरह ट्रायंगल एबीसी हमारी बन गई जैसे कि हम 17.1 से बनाते आ रहे हैं। चलिए उसके बाद आप देखें कि मैंने बीसी को करना है बाईसेक्ट, ठीक है, बीसी को बाईसेक्ट करना है। और आप पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं। पहले क्या कर सकते हैं, पहले आप एक लाइन एन ड्रॉ कर लें पर व्हिच इज पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन एल मैंने ड्रॉ की है। ये कैसे ड्रॉ करेंगे, पिछले सवालों में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ये एंगल बी पर जितना एंगल ए बन रहा है उतना ही ए पर इस तरफ एंगल बनाना है आपने, ठीक है। सिमिलर एंगल ये दोनों एंगल सेम बनाने हैं आपने और जब ये एंगल बन जाएगा तो ये जो लाइन है इसको बड़ा कर देंगे तो ये लाइन पैरेलल होगी बीसी है, ठीक है। ये लाइन हमने एल ड्रॉ कर ली व्हिच इज पैरेलल टू बीसी। After that, हमने BC को कर दिया है bisect। BC को क्या कर दिया bisect? इसका perpendicular bisector हमने draw किया है, जो कि D से गुजरता है point D से और ऊपर L को ये meet करता है point P पर। तो PD जो है perpendicular bisector of BC हमें मिल गया है। यहाँ मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं L पर parallel बनाया मैंने BC के और perpendicular bisector मैंने draw किया है BC का। ये साथ साथ हमने जैसे जैसे काम किया वही लिखना है, बाइसेक्टिंग इट एट डी, बीसी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, इस पर बाइसेक्ट किया है और एल लाइन को उसने पी पर ज्वाइन किया। अब मैंने सी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एल पर। यहां कंपास रख के एक आर्क लगाऊंगा, ए आर एल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दो पॉइंट पर रख के मैंने ये दो आर्क लगाए, ये पॉइंट मिला दूंगा जब सी से तो परपेंडिकुलर जो है इस पर ड्रॉ हो जाएगा, ये सी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन एल पर, ये मैंने लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने एक अलग से लाइन लेनी है एम, ये लाइन मैंने अलग से ले ली है एम, अलग से लाइन लेनी है और यहां पर मैंने एक पॉइंट ई लिया और ई से एफ तक डिस्टेंस उतना ही लेना है जितना पी डी की लेंथ है, यानी पी डी इज इक्वल टू ई एफ, पी डी इज इक्वल टू ई एफ और फिर F से G तक उतना डिस्टेंस लेना है जितना BC है। इसके लिए क्या करेंगे आप, कंपास को खोल के D पे रखें और P तक ले जाएं, जितनी PD की लेंथ है उतनी कंपास खोल के E पे रखें और एक आप छोटी सी यहाँ पे लगा दें, आपको F पॉइंट मिल जाएगा। फिर आप D पे कंपास रखें और C तक खोलें और F पे रख के एक और आर्क लगाएं, आपको G पॉइंट मिल जाएगा। तो ये E F G तीनों पॉइंट आपको मिल गए, यहां तक हमने स्टेप्स कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, अगला स्टेप देखें, I bisected EG, ये जो हमें EG मिल गया है लाइन सेगमेंट, हमने E पे रख के हाफ से ज्यादा EG के हाफ से ज्यादा कंपास खोली, ऊपर नीचे आर्क लगाई, फिर G पे रख के उसी कंपास से ऊपर नीचे आर्क लगाई है, तो ये दो पॉइंट हमने मिल गए, इनको ज्वाइन किया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिल गया है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ EG, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, O पॉइंट पे रख के E तक कंपास खोलनी है, EO जो है वो रेडियस है, इतने रेडियस का EO रेडियस का एक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। जब ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है तो यहाँ पे हमने लिख दिया विद सेंटर O एज सेंटर एंड रेडियस मेजर OE, OE के बराबर हमने रेडियस लेना है और हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। F पॉइंट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हमने ड्रॉ किया जो जाके सेमी सर्कल का पॉइंट F पे मिलता है। ये जो FM है ये वो एक साइड की लेंथ है जो हमने स्क्वायर बनाना है। जब हमें एक साइड की स्क्वायर की एक साइड ऑफ द स्क्वायर पता चल जाती है तो हम पूरा स्क्वायर बना सकते हैं। वो कैसे बनाया हमने, यहाँ पर M पर एक राइट एंगल बनाया और ये लाइन ड्रॉ कर दी है, इसका एंगल का आप बड़ा कर दिए, फिर
फिर मैंने FM के बराबर एक आर्क लगाई है, M पे रख के ये मुझे N पॉइंट मिल गया, F पे रख के भी मैंने FM के बराबर एक आर्क लगाई मुझे R पॉइंट मिल गया, मैंने एंड और आर का ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा जो है स्फीयर FMNR ये कम्प्लीटली तैयार हो गया। यही वो स्फीयर था जो कि रिक्वायर्ड था। अब हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इस तरह कंप्लीट हो गए, जो जो हमने काम किया वो सारा आप देख सकते हैं कि वो हमने लिख दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन में और 5 क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, उसी तरह आपको एक बेस दी हुई है और दो साइड दी हुई है ट्राइंगल की, हमने ट्राइंगल ड्रॉ की है ठीक है, और इसी ट्राइंगल के एक एक इक्वल हमने स्क्वायर ड्रॉ करना, बिल्कुल वही प्रोसेस है, आप बिल्कुल देख सकते हैं दोनों डायग्राम्स बिल्कुल सेम है। फर्क क्या पड़ा है, सिर्फ ये सेंटीमीटर यानी कि लेंथ जो है ट्राइंगल की वो चेंज हो गई है, बाकी सारा प्रोसेस सारे स्टेप्स वही होंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको खुद भी बनाएंगे, इन दोनों क्वेश्चन को कीजिए और प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप अच्छी तरह एग्जाम में कर सकें। बहुत शुक्रिया।